हेलो सर। हाँ सर बताइए, कैसे सर? ठीक है एकदम। आप कहाँ से आए सर? हम तो अभी खाना खा के ट्रिम्स का ही है हम। हाँ। अभी कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट से हूँ प्रोफेसर। हाँ। आप डॉक्टर आइडल डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? आपको दर्द होना पड़ेगा, यू हैव टू बी कंपैशनेट। वेरी गुड सर, यू हैव टू बी कंपैशनेट, यू हैव टू हैव द फीलिंग फॉर द पेशेंट। थैंक यू सर। हेलो केम्बा, आप ये ट्रॉमा में काम कर रहे हैं, इमरजेंसी ट्रॉमा का एक बॉस है आप। आप बताइए कि आपको ट्रॉमा सेंटर में आपको काम करने के लिए एक आइडल इमरजेंसी मैनेजमेंट होने के लिए एक आइडल डॉक्टर ट्रॉमा सेंटर में कैसे होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये क्वेश्चन रेज किया। हम सोच रहा कि कोई मुझे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन रहा कि ट्रॉमा सेंटर, सो ये मिसकंसेप्शन है, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देर इज़ नो ट्रॉमा सेंटर इन ट्रिम्स। ट्रॉमा सेंटर नहीं है, दिस इज़ ए इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा जो इमरजेंसी का पार्ट को केयर करते हैं इनिशियल पार्ट में। सो इन इमरजेंसी केयर द बिगिनिंग पार्ट्स का जो इनिशियल शुरुआत मैनेजमेंट का ट्रॉमा को भी हम लोग इंक्लूड करता है एंड नॉन ट्रॉमा को भी इंक्लूड करता है। सो नॉन ट्रॉमा इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी में हजारों मेडिकल इमरजेंसीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ऑप्शन, गायनी, नियोनोटल, गायनी का केस, कैंसर का केस, आई का, ऑप्थाल्मोलॉजी, जितना इमरजेंसी आप जितना इमरजेंसी है सबको हम लोग हैंडल करते हैं। टैकल करने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? क्वालिटी तो नाउ कमिंग टू द डॉक्टर का जो क्वालिटी बोल रहे हैं ना, सो इमरजेंसी मेडिसिन यहाँ का अभी तक का जो हम मेरा एक्सपीरियंस जैसा लग रहा है एमोंग ऑल द सब्जेक्ट, हमारा अराउंड 21-23 का सब्जेक्ट है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट विच इज मेकिंग यू ए कम्प्लीट डॉक्टर। आपको कहीं भी अगर ट्रीटमेंट आप करना चाहता है, बिकॉज आपको किसी इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए यू हैव टू हैव ए वेरी वास्ट नॉलेज ऑफ ऑल द डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी का नॉलेज, आपको वास्ट नॉलेज होना पड़ेगा। प्लस आपका क्विक डिसीजन होना है, आप आया पेशेंट को क्विक डिसीजन होना है, क्विक ट्रीटमेंट होना है। सो इसके लिए आपको चाहिए कि वेरी एंथुसियास्टिक एनर्जी भी बहुत चाहिए होता है, अदरवाइज इट्स वेरी टायरिंग ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज होना है, ठीक है, देन यू हैव टू हैव ए क्विक डिसीजन, आइडिया होना पड़ेगा कि ऐसा करना है। देन देयर आर सम स्किल, सर्टेन स्किल्स को आपको स्किलफुल बहुत होना है, क्योंकि स्किल को अगर नहीं सीखेगा तो यू कैन नॉट गो अहेड। अगर फ्रैक्चर आया, फ्रैक्चर को स्प्लिंटिंग नहीं कर पाया तो बेकार है, आप थ्योरी में पढ़ता रहा दे विल, इफ यू आर नॉट एबल टू स्प्लिंटिंग तो फायदा नहीं है। या ठीक है, वो एक क्वालिटी आपने बता दिया। पब्लिक से क्या एक्सपेक्टेड है जब आप ट्रॉमा सेंटर या इमरजेंसी सेंटर में आप काम करते हैं, तो आप पेशेंट पार्टी से क्या उम्मीद रखते हैं? इमरजेंसी में जब भी आता है तो इमरजेंसी ऐसा एक सेटिंग है जो आप क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू अगेन। तो इमरजेंसी ऐसा एनवायरनमेंट है जहां अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है मोस्ट ऑफ द जगह में, इट्स ऑल कंट्रोल्ड वन। वार्ड में जाएगा इट्स ए पेशेंट इज ऑलरेडी सेटल, आईसीयू में जाएगा कंट्रोल एनवायरनमेंट, लिमिटेड बेड, लिमिटेड पेशेंट्स, बट इमरजेंसी में इट्स वेरी अनकंट्रोल्ड। सो कोई भी पेशेंट के लिए एवरी टाइम इज हेडेक, मतलब सब चीज इमरजेंसी लगेगा। आपको एक किसी का हेड इंजरी हुआ है, सीवियर मतलब हेड इंजरी है, सांस नहीं ले सक रहा, मरने वाला, दिस इज इमरजेंसी। बट कोई पेशेंट किसी का उंगली सिर्फ कटा हुआ है, हल्का सा ब्लीडिंग है, उसके लिए भी वो भी उतना ही इमरजेंसी है। अभी कोई एक्टर जो एक्टर एक्ट्रेस अभी मूवी शूटिंग करने जा रहा, उसको मॉस्किटो बाइट कर लिया ड्रेसिंग मतलब पूरा मेकअप करने के बाद आपका चेहरा में, तो स्वेलिंग पुला होकर आ रहे, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन अभी होने वाला, उसके लिए भी वो बहुत इमरजेंसी है। आपको पेशेंट पड़ते लोग, पेशेंट लोग रात रात को कॉल करते हैं, उस टाइम में कॉल्स करते हैं, आप उसको कैसे लेते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी का नेचर ही ऐसे, तो पर्स में हमने हाईलाइट किया कि इमरजेंसी को डील करने के लिए आपको एंथुसियाज्म होना पड़ेगा एंड आप तो अलोंग विद आपका एनवायरनमेंट का साथ में, सिचुएशन के साथ में अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो रात को अगर पेशेंट कॉल करता है, नहीं करता है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। एक और हमारा इमरजेंसी सर्विस 24 आवर्स रन रहता है, तो अगर हम यहाँ नहीं होने से भी अभी भी चल ही रहा है। तो एक आइडिया आपको बताना चाहते हैं, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कभी सोता नहीं है, ऐसा लास वेगास ऐसा सिटी है जो कभी सोता नहीं है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट में जो कभी सोता नहीं है, एवरी वे 24 आवर्स आपको सर्विस मिलता है।
सो वी हैव टू लुक, ये प्रोस्पेक्ट को भी देखना है कि पेशेंट पार्टी को भी, आप जब आता है तो आपका इमरजेंसी अलग अलग हो सकता है, बट वेन ये डॉक्टर आपको जब कैटेगराइज कर देता है कि वेरीफाई कर देते हैं कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको हम जल्दी देखेगा या इसको पहले ट्रीट करना है, देन वी शुड लिसन एंड उसका जो जो हम लोग नॉर्म्स ले डाउन करके रखा हुआ है, आपको येलो रेड ट्राइज ग्रीन का कैटेगरी में अगर बांट के रखा हुआ है तो अकॉर्डिंगली आप भी थोड़ा सा हमारा साथ में फॉलो करने से हमारे लिए भी आसान है और आपका ट्रीटमेंट के लिए भी सबके लिए फायदा है और सिस्टम भी इजीली फ्लो होगा। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर केम्बा पादू, हमारा ट्रिम्स का इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर का इंचार्ज। हेलो सर। हाँ, एक अच्छा डॉक्टर का तीन क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज टाइमलीनेस, सेकेंड इज इंटीग्रिटी, थर्ड इज नॉलेज एंड कंपैशन। थैंक यू सर। अच्छा डॉक्टर के लिए सर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? कल बता चुका हूँ मैं। कल बोल चुका हूँ। अच्छा डॉक्टर होने के लिए तीन क्वालिटी बताइए सर। वांगजू सर क्या क्या होना चाहिए? पांच पांच क्वालिटी चाहिए। लीडर, लाइफ लॉन्ग लर्नर, प्रोफेशनल, कम्युनिकेटर एंड गुड कम्युनिकेटर। वेरी गुड। हेलो डॉक्टर सर, दो ऐड करना के लिए। क्रिटिकल थिंकर एंड लाइफ लॉन्ग रिसर्चर। आप बताइए एक अच्छा मैं खाल बोल दिया। कल जो बोला अलग था, आज आप बताइए कि एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन अच्छा डॉक्टर बनने के लिए हम ये स्टूडेंट और हम खुद को भी बोलेगा, आप पेशेंट को ट्रीटमेंट से पहले आप पेशेंट का जगह में खुद को रखना है, देन आप सब कुछ सीख जाएगा। सही बोला। हेलो सर, आप आपका क्या क्या ओपिनियन क्या ओपिनियन है आपका? अच्छा डॉक्टर के लिए आप कंपैशनेट होना है ना, अंडरस्टैंड करना है पेशेंट को और फैमिली मेंबर्स को, और दिल से ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करना है। हेलो सर, आपका क्या ओपिनियन है? एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्टर शुड हैव ऑल द नॉलेज, उसका बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा होना है, देन ही शुड बी अ गुड क्लिनिशियन, देन ही शुड बी कॉम्पेशनेट, देन ही शुड हैव अ होलिस्टिक अप्रोच टू एवरी पेशेंट, पेशेंट को टाइम देना है, उसको समझना है, उसको रीअश्योर करना है हर चीज़। आपको जब एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, आप एक रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट भी है, आपको एज ए गायनेकोलॉजिस्ट रात को उस टाइम में आप पेशेंट कॉल करता है तो आप उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं? आई कॉल देम, आई अगर ये फोन में है तो आई रिसीव देम, आई ऑलवेज or else I message them back if they are sending by message or call karte hain to uthake I call them back youtube mein dalega I make it sure. theek hai theek hai theek hai. aapko koi regret hai kya doctor? nahi koi regret nahi. no regret. so you are happy that you are a doctor? yes. and you are proud for that? I'm proud of myself. thank you so much sir. hello madam, ek acha doctor banne ke liye kya kya quality hona chahiye aadmi ko, doctor ko? compassionate hona chahiye, compassionate aur understanding hona chahiye, knowledgeable hona chahiye. आपको डॉक्टर बन के अभी ऐसा कभी मौका आया कि हम क्यों डॉक्टर बना, मैं रिग्रेट हूँ, ऐसा कुछ है? नहीं सर, रिग्रेट नहीं है। सो यू आर प्राउड टू बी ए डॉक्टर? जी। थैंक यू सो मच। हेलो मैडम, आप आज मेडिकल एजुकेशन यूनिट में आया है ट्रेनिंग के लिए। हाँ सर। एक अच्छा डॉक्टर होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? आप तो एक गायनोकोलॉजिस्ट भी है, एक रिनाउंड गायनोकोलॉजिस्ट भी है, बहुत हेक्टिक होता है काम करने में, आपको क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? एक तो एज अ डॉक्टर आप सबसे पहले पेशेंट को फील करना चाहिए कि पेशेंट जब आता है तो वो क्या होप लेके आता है और क्या पेन लेके आता है और आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। देन वार्म, एक वार्मथ होना चाहिए डॉक्टर में कि पेशेंट इजीली उसको अपना बात को बिना हिचकिचाए, बिना डरे कन्वे कर सके। और तीसरा, आपको सुनने का कैपेसिटी होना चाहिए कि वो क्या बता रहा है, और कंपेसनेट होना चाहिए, आपको उसमें दया इम्पैथी वो होना चाहिए, एंड देन ऑफ कोर्स गुड नॉलेज, अच्छा स्किल होना चाहिए। आपको कभी ऐसा मौका आया कि हाँ ये मैं डॉक्टर बन के बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ ऐसा मौका है आया था क्या कि एक वाह मैंने एक कुछ कर दिया, ऐसा कुछ फीलिंग आया? डॉक्टर बन वो तो सर एवरी डे ही लगता है हमको कि हम डॉक्टर बन के, भले ही कोई अप्रिशिएट करो नहीं करो, लेकिन हमको लगता है कि हम डॉक्टर बन के बहुत कुछ हम मतलब बहुत सर्विस जो दे रहे हैं उसको हम एवरी डे हम फील करते हैं कि हम डॉक्टर बन के बहुत अच्छा किया है, और जितना भी हम छोटा मोटा हमसे भी सर्विस दे सक रहा है वो मेरे लिए ही बहुत, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि हम ये प्रोफेशन में हैं। ओके, यू आर राइट मैम।
क्योंकि हम ऐसा प्रोफेशन में हैं कि लोगों का लोगों के जो लाइफ में क्लोजली टच है. थैंक यू वेरी मच दैट यू हैव एक्सेप्टेड योर प्रोफेशन और यू आर गिविंग ए वंडरफुल सर्विस फॉर आवर पीपल. थैंक यू.